आज हमने घर में से ही मिल जाए ऐसी दो सामग्री का इस्तेमाल करके सिर्फ दो बूंद तेल में टेस्टी आटे का नाश्ता बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप सुबह में सिर्फ 5 मिनट में तैयार करके सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं टेस्टी और चटपटा आटे का नाश्ता बनाना। एक कप गेहूं का आटा लिया है, इसे एक बाउल में डाल देंगे। आधा कप मीडियम खट्टा दही है जिसे मैंने फैट लिया है, ये अंदर डाल देंगे। दही मीडियम खट्टा होगा तो चल जाएगा, बहुत एकदम ज़्यादा खट्टा दही नहीं डालें तो ये नाश्ता थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। मिक्स कर लेते हैं। दही को मैंने फैट के डाला है अंदर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के स्मूथ बैटर बना लेंगे। अच्छे से मिक्स करके बैटर बना लेते हैं। बैटर को अच्छे से फैट के बनाना है, उसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। एक कप पानी डाल के बैटर बनाया है। दो मीडियम प्याज बारीक चॉप किया है और 1/4 कप हरा धनिया है। हरा धनिया आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास मेथी के पत्ते या पालक हो तो वो भी आप बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून में थोड़ा कम लिया है। 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट। हरी मिर्च आप बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बदले भी काली मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें दही डाला है, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। प्याज के बदले में आप जो कोई भी वेजिटेबल डालना चाहे तो वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। गाजर को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, गोभी को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना पतला हमें बैटर रखना है। 2 से 3 टेबलस्पून पानी हमने डाला है। बैटर को टेस्ट करके देख लेना है, अगर नमक कम है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा डाल सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट देते हैं। नॉनस्टिक तवा लेना है, इसके ऊपर हम थोड़ा तेल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। ये नाश्ता सिर्फ आप 2 बूंद तेल में बना सकते हैं, इसमें तेल का ज्यादा यूज नहीं होता है। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा नहीं है, आयन के तवे में बना रहे हैं तो थोड़ा तेल ज्यादा लगेगा। बैटर को अच्छे से फैट लेंगे। गैस की फ्लेम धीमी करके इसे इस तरह से फैला के चीला बना लेते हैं। छोटा या बड़ा चीला आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं। इसे धीमी आंच पे ही हम कुक करते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से ये एकदम ड्राई हो गया है। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल को इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, ऊपर से एकदम ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसे पलटना है। दूसरी साइड पे भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। प्याज सिकने की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स, ये चीला जब भी बनाते हैं। मीडियम फ्लेम पे नीचे की साइड से भी मैंने 1 से 2 मिनट इसे कुक कर लिया है। पलट लेंगे इस तरह से, थोड़ा गोल्डन ब्राउन डॉट्स आ जाए तभी इसे पलट लेना है। और इस तरह से थोड़ा दबा के इसे सेक लेते हैं। वापस इसे पलट लेंगे इस तरह से, उलट पलट के थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे कुक करना है। ये हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बाकी का चीला भी बना लेते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम चीजों से बन जाए ऐसा टेस्टी नाश्ता तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।